If you want to rank your video on YouTube or want a ton of views from YouTube search, then this video is for you. हेलो हसलर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो को हम सिंपल 7 स्टेप्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कीवर्ड रिसर्च करना है, हमें टॉपिक सर्च करना है। एंड टॉपिक सर्च करने के लिए हम कुछ टूल्स का यूज़ करेंगे, जो कि है फर्स्ट गूगल ट्रेंड्स, इसका हम यूज़ करेंगे। सेकेंड हम कुछ क्रोम एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे, जैसे कि ट्यूब बडी, वेड आई क्यू, कीवर्ड एवरीवेयर। इन टूल्स का यूज़ करते हुए हम अपना टॉपिक रिसर्च करेंगे। तो टॉपिक रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक सीड कीवर्ड। सबसे पहले आप माइंड में सोचिए कि आपको किस से रिलेटेड बनाना है वीडियो, राइट? तो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, मैं SEO पे बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टॉपिक चूज़ कर लिया, राइट? तो गूगल ट्रेंड्स की बात यह है कि यहाँ पे आपको टॉपिक्स मिल सकते हैं जो ट्रेंड में चल रहे हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम तेज़ी से बढ़ रहा है, या फिर काफ़ी ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है जिनका गूगल पे, यूट्यूब पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेवरल कीवर्ड्स आपको दिख जाएंगे, SEO, SEM रूट, ये मेरे काम का नहीं है, ये भी मेरे काम का नहीं है, सेकंड वाला, थर्ड वाला अच्छा लग रहा है, यूट्यूब SEO टिप्स, जो कि ये वीडियो इसी के ऊपर है। तो सिंपल यहाँ से मुझे एक कीवर्ड मिल गया, YouTube SEO टिप्स। यहाँ पे मैंने देख लिया क्या इसका ट्रेंड चल रहा है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, इस टाइप का रह रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस कीवर्ड को अपना कॉपी करके YouTube पे जाना है एंड यहाँ पे सर्च करना है इस कीवर्ड को। एंड यहाँ पे इन एक्सटेंशंस के थ्रू मुझे ऑफ अदर डेटा मिलेगा इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम व्यूज़ हैं उसके 1 मिलियन के आसपास हैं, क्या बात है। एंड ये इसका कुछ ट्रेंड है, मतलब यहाँ पे 2014 में बढ़ा था, फिर 17 में बढ़ा है बहुत तेज़ी से, और 2019-20 में कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है स्लोली स्लोली। तो ये टॉपिक अच्छा हो सकता है, नो डाउट। और आप और फर्दर देखेंगे विड आई क्यू का, तो यहाँ पे भी आप व्यूज़, सब्सक्राइबर्स एंड ऑल दैट, ठीक है, एवरेज एज इस कीवर्ड का भी देख सकते हैं, जो कि 4 ईयर्स है। एंड फर्दर यहाँ पे आप जो मेन चीज़ है वो है इसका ओवरऑल स्कोर, SEO स्कोर जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सर्च वॉल्यूम मिडिल में है, दैट इज़ ओके, ठीक है। सर्च वॉल्यूम आपका ग्रीन एरिया में होना चाहिए या फिर ऑरेंज एरिया तक है, तब भी काम चलेगा। सेकेंड आपका कॉम्पिटिशन देखना है, तो कॉम्पिटिशन भी आपका ग्रीन एरिया में होना चाहिए, यानी लो कॉम्पिटिशन होना चाहिए। तो यहाँ पे इस कीवर्ड को लगभग 60 स्कोर मिला है आउट ऑफ 100, विच इज़ ओके, बहुत अच्छा स्कोर भी नहीं है और बहुत बेकार स्कोर भी नहीं, ओके स्कोर है। कोशिश कीजिए मोर देन 60-50 रखिए कम से कम, जो भी आप कीवर्ड चूज़ कर रहे हैं या टर्म चूज़ कर रहे हैं, टॉपिक चूज़ कर रहे हैं। फर्दर आपको यहाँ पे और सिमिलर रिलेटेड क्वेरीज मिल जाएंगी, जैसे कि यूट्यूब SEO, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोज़। तो ये आप अपने टाइटल में भी यूज़ कर सकते हैं, टैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं बाद में कवर करूँगा अभी इसी वीडियो में। और फर्दर आपको ट्यूब बडी के थ्रू भी और रिलेटेड क्वेरीज मिल जाएंगी, टैग्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कीवर्ड सर्च। तो सबसे पहले हमें सीड कीवर्ड सोचना है माइंड में, या फिर आपका जो नीश है उससे रिलेटेड आप कोई भी सीड कीवर्ड डालिए गूगल ट्रेंड्स में, एंड देन वहाँ से फिर आपको कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे बेहतरीन, उनको आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड स्टेप है इंगेजिंग वीडियो बनाना एंड लॉन्गर वीडियोज़ बनाना। देखिए इंगेजिंग वीडियोज़ बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि YouTube जो है ये देखता है कि वीडियो का रिटेंशन क्या है, अगर वीडियो का रिटेंशन ज़्यादा है तो वो वीडियो को हायर रैंक करेगा, राइट? एंड सेकेंड ये फैक्टर भी देखा गया है, मल्टीपल आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, रिलेटेड आर्टिकल पढ़ सकते हो, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपका वीडियो लॉन्गर है तो चांसेस हैं कि YouTube आपको ज़्यादा प्रेफर करेगा, राइट? YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्गर वीडियोस को पुश करता है, एंड लाइक TikTok और रील्स हैं वो शॉर्ट वीडियोस को प्रेफर करते हैं। अब तो YouTube जो है शॉर्ट वीडियोस का अलग कैटेगरी उसने बना दिया, आप शॉर्ट वीडियोस भी डाल सकते हो जो कि स्टोरीज में शो होते हैं, एंड दैट इज़ डिफरेंट कैटेगरी, बट लॉन्गर वीडियोज़ अभी भी YouTube प्रेफर करता है,
So if your video is more than 5 minutes, I think that is great. So engaging content banaye, content boring nahi hona chahiye, beech beech mein kuch interesting elements dalte rahe aap, that's enough. Third hai aapka title and description. Now as you can see यहाँ पे ये जो कीवर्ड है ये अच्छा कीवर्ड है, राइट, YouTube SEO टिप्स एंड फर्दर इसमें मुझे कुछ और अच्छे कीवर्ड्स मिल जा रहे हैं, टॉपिक कीवर्ड्स मिल जा रहे हैं, जैसे कि ये हो गया हाउ टू रैंक YouTube वीडियोस एंड YouTube SEO, राइट. तो आपको क्या करना है, आपका जो टॉपिक होगा वो इनसे मैचिंग रखना है, राइट. इस कीवर्ड को आप यूज़ कीजिए, इस कीवर्ड को यूज़ कीजिए, राइट. सो मैंने इस वीडियो के लिए क्या किया, इसके टाइटल के लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इस कीवर्ड को चूज़ कर लिया, सेकंड मैंने इस कीवर्ड को भी चूज़ किया, लेकिन डायरेक्ट मैं इस कीवर्ड को ऐसे यूज़ नहीं किया, हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस. मैंने इसको ऐसे रखा, 7 ईजी स्टेप्स टू रैंक योर यूट्यूब वीडियोज़, है ना, रैंक योर यूट्यूब वीडियोज़, यहाँ पे ये पार्ट मैंने ले लिया इस कीवर्ड का, एंड यूट्यूब एसईओ टिप्स मैंने सेकेंडरी टाइटल रखा. सो इस तरीके से आप अपना टाइटल बना सकते हो. एंड सिमिलरली जो डिस्क्रिप्शन होगा आपके वीडियोज़ का, उसमें भी ये टर्म्स रिपीट होने चाहिए. तो जो भी आप अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखें उसमें आपका वो टर्म्स आना चाहिए. सेकेंडरी आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपका जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आपको अपने वेबसाइट का लिंक, अपने फर्दर और मोर लिंक्स को ऐड करना है. लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होना इम्पॉर्टेंट है और अच्छी बात है. ये भी एक फैक्टर देखा जाता है कि आपने कितने आउटबाउंड लिंक्स प्रोवाइड किए हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, राइट. अपने डिस्क्रिप्शन में आप अपने बारे में बता सकते हो, है ना, आपने जो टॉपिक लिया है, यहाँ पे देखिए मैंने कवर किया है उस टॉपिक को डिस्क्रिप्शन में भी, उस कीवर्ड को. फदम और विड़ा की जो टूल है यहाँ पे आपको स्कोर मिल जाएगा, तो आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मिले आपको. SEO स्कोर मेरे इसमें 43 है, कोशिश करें मोर देन 50 हो. चेकलिस्ट ये और प्रोवाइड करता है आपको, तो जो भी इनके चेकलिस्ट हैं आप कोशिश करो उसको आप कंप्लीट करो. सो ऑप्टिमाइज योर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन. नाउ द फोर्थ स्टेप इज टू ऐड टैग्स टू योर वीडियोस. तो हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन देख लिया, हमने वीडियोस बना लिया, टॉपिक चूज कर लिया. नाउ हमें टैग्स ऐड करने हैं. टैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं वीडियो को रैंक करने में. तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो भी कीवर्ड सर्च किए थे हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे टैग्स में. एंड विद विड आई क्यू प्लगइन आपको फर्दर मोर और रिकमेंडेड टैग्स मिल जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तरीका है टैग्स के लिए. और अगर आपको फर्दर मोर टैग्स ऐड करना है, सिंपली आप आ सकते हो कीवर्ड टूल्स में, कीवर्ड टूल ये कीवर्ड सर्च प्लेटफॉर्म है बेसिकली, एंड इसमें आप अपना कीवर्ड डाल सकते हो. तो जैसे कि मेरा कीवर्ड है यहाँ पे YouTube SEO टिप्स, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने लोकेशन चूज़ कर ली, मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया. अब आपके पास अगर प्रीमियम अकाउंट नहीं होगा इसका तो आपको सर्च वॉल्यूम और कॉम्पिटिशन पता नहीं चलेगा, बट आपको इसके जो भी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे. यूट्यूब SEO टिप्स एंड ट्रिक्स, यूट्यूब SEO टिप्स 2020, राइट, यूट्यूब SEO टिप्स हिंदी, इस टाइप के सारे टैग्स आप यहां से उठा सकते हो और अपने वीडियो में आप ऐड कर सकते हो. सेकंड टूल जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है HRF का यूट्यूब कीवर्ड टूल, एंड ये टूल भी सिमिलर वैसा ही है. यहां पे आपको अपना कीवर्ड ऐड करना है, फिर यहां पे आपको अपना लोकेशन चूज़ करना है, फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करना है, कैप्चा आएगा, कैप्चा फिल कर दीजिए. This is also free tool. HRF free नहीं है, but free में कुछ number of times आपको search करने देता है keywords. तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे YouTube SEO tips हिंदी यहाँ पे है. Of course search volume यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन of course ये जो topic है इसका volume धीरे धीरे grow कर रहा है और up and down होता रहता है. तो अभी हो सकता है कि इसका search volume कम हो, लेकिन बाद में इसका search volume बढ़ सकता है. So these two tools I will recommend for tags. एंड ऑफकोर्स ट्यूबडी भी काफ़ी बेहतरीन टूल है टैग्स के लिए, वो रिकमेंडेड टैग्स आपको प्रोवाइड करेगा. फिफ्थ स्टेप इज़ टू ऑप्टिमाइज योर थंबनेल
थंबनेल आपका क्या करता है, CTR बढ़ाता है। तो क्लिक थ्रू रेट आपके वीडियो का जितना अच्छा होगा, मतलब YouTube जितने इंप्रेशन दे रहा है आपके वीडियोस को, एंड जितना ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट रहेगा उस वीडियो पे, चांसेस रहेंगे कि आपका वीडियो उतनी तेज़ी से रैंक करे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं उन्होंने कितने अट्रैक्टिव थंबनेल सबने बनाए हैं। यहाँ पे इन्होंने थंबनेल में भी कीवर्ड को ऐड किया है, एंड ऑफकोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो अपना फेस इन्होंने शो किया हर एक वीडियोज़ में। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड पार्ट ऑफ थंबनेल, फेस शो करना, क्योंकि फेस शो करने से ट्रस्ट आता है एंड क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है। सो अपने थंबनेल को कस्टमाइज करें। स्टेप 6, शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया। सो वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब ट्रिगर होता है जब भी आप सोशल मीडिया पर शेयर करते हो, एंड इसे शो होता है कि शेयरिंग हो रही है वीडियोज़ की, यानी वीडियो शेयरेबल है, कहीं ना कहीं वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है वीडियो, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो इवन जो ट्यूबबडी कीवर्ड है वो भी रिकमेंड करता है कि आप अपने वीडियो को शेयर करो, राइट, फेसबुक पे, ट्विटर पे एंड ऑल दैट। सो चेकलिस्ट में वो इस टर्म को भी यूज़ करता है कि भाई आपने अपने वीडियो को शेयर किया है कि नहीं किया है सोशल मीडिया पे। सो सोशल मीडिया शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, आप अपना अगर आपका खुद का वेबसाइट है, कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो उस पर आप अपने वीडियोज़ को एम्बेड करें। एम्बेडिंग इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू ट्रिगर यूट्यूब कि भाई आपका वीडियो जो है वो वैल्यू रखता है, वैल्यू क्रिएट करता है, राइट। सो आप इस चेकलिस्ट को भी कम्प्लीट कर लीजिए। लाइक इसमें बोला है क्लोज कैप्शन CC डालना ज़रूरी है। हाँ, CC डालने से ऑफकोर्स कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है, बिकॉज मान लीजिए आपका लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हिंदी है, जो भी है, और अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज में अगर आप अपना CC प्रोवाइड करते हो, इन दैट केस आपका वीडियो जो है YouTube प्रेफर करता है अदर वीडियोज़ की अपेक्षा। द लास्ट टिप इज टू आस्क पीपल टू कमेंट ऑन योर वीडियोज़। देखिए, कमेंट का और लाइक का एक सिग्निफिकेंस है। बहुत से यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे वो लाइक मांगते हैं, लाइक भी मांगते हैं, कमेंट के लिए बोलते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि जितने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स होंगे आपकी वीडियोज़ पे, चांसेस हैं आपकी वीडियोज़ के रैंक करने के उतने ज़्यादा। सो वीडियो को आस्क योर फ्रेंड सर्कल, और इन दी स्टार्टिंग वीडियो को पुश करना बहुत ज़रूरी होता है। सो अगर आप छोटे यूट्यूबर्स हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वीडियोज़ को स्टार्टिंग में पुश करें, अपने वीडियो के अंदर बोलें लाइक और कमेंट करने के लिए, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में जब आप शेयर करें सोशल मीडिया पे, वहाँ पे आप अपने दोस्तों से और लोगों से बोलें कि वो आपके वीडियोस पे कमेंट करें और लाइक करें और इंगेज करें वीडियो के साथ, राइट। जितना ज़्यादा वीडियो के साथ एंगेजमेंट होगा, चांसेस होंगे कि वीडियो आपका उतने तेज़ी से रैंक करेगा। सो माई फ्रेंड्स, डैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको फर्दर मोर जानना है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, SEO, तो आप मेरी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं surajmishraco। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो यू कैन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप जानते हो कमेंट से वीडियो रैंक करती है, राइट। सो आप मेरे वीडियो पे भी कमेंट करो।